मेरी सबसे पहली पसंद यही वॉच थी, मतलब जितनी स्मार्ट वॉचेस आ रही हैं सबसे पहली पसंद यही थी, मतलब पता ही नहीं था अक्षय ये करेगा यार। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अनदर न्यू व्लॉग। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे, ठीक होंगे, अपना अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। तो गाइस, अब भी कसी नहीं है कि आपको, जैसे हमने बताया था कि हम एक ट्रिप करने वाले हैं जो कि ऋषिकेश की होगी, तो गाइस फाइनली वो दिन आ चुका है। आज हम जा रहे हैं अपनी रिजर्वेशन टिकट करवाने के लिए, आपातकालीन में करवाएंगे क्योंकि जो उसकी SL स्लीपर टिकट थी वो अभी वेटिंग में चल रही है और वो कन्फर्म भी नहीं होगी, अभी आपात में करवाने पड़ेंगे। अमित भैया वहाँ पर वेट कर रहे हैं रेलवे स्टेशन पर और हम यहाँ पर दोनों भाई रेडी हो चुके हैं, वहाँ पर चलते हैं और रिजर्वेशन की टिकट करवाते हैं। महादेव का बुलावा आ चुका है गाइस, मजा आएगा फुल ट्रिप में और फुल एंजॉय करेंगे। तो चलो पहले अपनी जाके जो रिजर्वेशन की टिकट है वो करवा लेते हैं, चलेंगे भैया? बिल्कुल बिल्कुल, मजा आएगा गाइस। और कल की करवा रहे हैं, हाँ कल की, जैसे कल, हाँ कल एक और स्पेशल दिन है, कल मेरा बर्थडे है गाइस, सभी विश कर देना यार, और जिसको कुछ भेजना हो ना गिफ्ट वगैरह भेज देना। अच्छा हमको सिखा रहा है गाइस। फाइनली अपने यहाँ पे रेलवे स्टेशन पे पहुंच चुके हैं और अमित भी यहाँ पे फॉर्म फिल कर रहे हैं, हमें फॉर्म मिला है अंदर से रिजर्वेशन के लिए, वो फॉर्म फिल कर रहे हैं अभी यार। वेटिंग चल रही है 62 की, वो वेटिंग क्लियर होते ही ना फिर मतलब अपने को सीट मिलेगी, बाकी हम रिजर्वेशन करवा रहे हैं क्योंकि यार जो लोकल डब्बे होंगे ना उनमें बहुत ज़्यादा भीड़ होगी और वहाँ पे बैठा भी नहीं जाएगा, और अपने पास में ये मतलब इतना सामान भी होगा, कैमरा वगैरह हो गए और मतलब भैया और होंगे भी सामान होगा, तो अभी फिर यहाँ पर रिजर्वेशन करवा रहे हैं। जी यहाँ पर आके फॉर्म फिल कर रहे हैं, अरे वाह आज तो अक्षय फॉर्म फिल कर रहे हैं मेरे भाई, ऋषिकेश की हो रही है। तो गाइस अभी अक्षय ने पेन मेरे को दे दिया, क्या तू भर दे क्या मैं पढ़ू? पोंपलो देंगो, पोंपलो मेरे ख्याल कौन ही पोंपलो। तो गाइस यहाँ पे हमने रिजर्वेशन का फॉर्म भर दिया, अंदर देते हैं अभी यार, यहाँ पे खड़े हैं वेट कर रहे हैं क्योंकि 11 बजे अंदर देना है रिजर्वेशन का फॉर्म, और अभी बजे हैं 10:50 हुए हैं, 10 मिनट यहाँ पे वेट करना पड़ेगा। भैया पता नहीं क्या खा रहे हैं, पैसे मांग रहे हो? पैसे की बात करती है यार, सारी दुनिया पैसों की बात करती है भाई। अरे कहना क्या चाहते हो? तो गाइस अभी कसी नहीं है कि हम घर पे आ चुके थे और अब भी जैसे शाम हो चुकी है और अब हम जा रहे हैं रेलवे स्टेशन पे। रेलवे स्टेशन पे इसलिए जा रहे हैं क्योंकि वहाँ पे अमित भैया आ रहे हैं जिनके घर पे जाके आए थे ना अभी, वो आ रहे हैं और उनको उठा के फिर चलेंगे जिम। अभी जिम जा रहे थे, ये वाली डिस्चार्ज होगी बैटरी कैमरे की, अभी इसमें दूसरी वाली डाल लिया तो अभी इसको चार्ज लगा के फिर चलते हैं जिम। गाइस यार मैं क्या बोलूं, मेरे लिए ये सब कुछ प्लान किया मम्मी और अक्षय ने, तो पता नहीं पड़ी है माचिस। तो अभी माचिस लेने गया अक्षय, ये माचिस नहीं है जगाने के लिए घर में, अभी घर में क्योंकि लाइटर से ही जलाते हैं ना चूल्हा वगैरह, तो यार इसे लिटरली मज़ा आ गया, मतलब मैंने एक्सेप्ट नहीं किया था कि मतलब ये कुछ है। थैंक यू सो मच एवरी वन माई फैमिली। अब यार मेरे को मतलब पता ही नहीं था अक्षय ये करेगा यार, मैं क्या बोल रही यार, आई एम सरप्राइज, क्या बोलूँ मैं अब। ये देखो इसने लाइफ लाइन लिखाया है केक के ऊपर और मतलब ये गिफ्ट्स वगैरह लाया है, मेरा जी कर रहा है खोल के देख लूँ इसमें, तो यार मेरे को लगता है कुछ कपड़ा वगैरह है, ये क्या है पता नहीं क्या है, बिन के सामने ही खोलूँगा। और आ गया अक्षय, तो भैया टी शर्ट पहन के आ चुके हैं, अब इनको एक एक करके इनके गिफ्ट देंगे। तो पहले कौन सा ओपनिंग करोगे? पहले ये नहीं, पहले ये नहीं, ये नहीं, ये ओपनिंग नहीं करेंगे, ये छोटा गिफ्ट जो सबसे भाई महंगे वाला वो ये केक, ये अब केक, अरे हाँ केक, केक साइड कर देते हैं, तेरे को आम खाने हैं गुठलियाँ गिननी है बता, आम खाने हैं क्या गुठलिया गिननी है बता, ना भाई बिल्कुल रिस्पॉन्स नहीं बंदा, ओह पता ही नहीं खोलने का ही। और यार मस्त है भाई, भैया को दो थैंक यू यार भाई, ये दो करके चेक किया था भैया, ओ भाई क्या है 27 तारीख का मंगवाया हुआ है तेने, क्या है इसमें देखो भाई यार इसके लिए यार थैंक यू।
ये क्या है? कपड़ा है, बना लियो जो बनाना है। थैंक यू फॉर दिस प्रीसियस गिफ्ट। लो ये भी खोलो। अरे फिटिंग भाई, पर मेरे यहाँ लेके आया था अपनी फिटिंग की, तेरी फिटिंग तो आएगी भाई साहब, खतरनाक लग रही है। मेरे तो वैसे भी मेरे तो और भी खतरनाक लगी यार। मम्मी सुनो भाई, बहुत प्यारा लग रहा है यार, नंबर है भाई। मेरी सबसे पहली पसंद यही वॉच थी, मतलब जितनी स्मार्ट वॉचेस आ रही हैं सबसे पहली पसंद यही थी। मेरे को ये परचेज करनी थी, पर थोड़ा सा मेरे को मैं सोच रहा था अभी मैंने ले दी यार। तो गाइज आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, तो गाइज आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच मेरा व्लॉग देखने के लिए। ये देखो इसने गाने चला दिए, हैप्पी बर्थडे टू यू ब्रो, बाय, लव यू।